तो आज हूँ मैं नागपुर में। नागपुर में मौसम बहुत सुहाना है, चारों तरफ से बादल ही बादल हैं और पहली बार मैं अपनी जर्नी करने जा रहा हूँ नागपुर मेट्रो में। तो कुछ इस तरह से है नागपुर मेट्रो की एंट्री, क्योंकि अभी भी लोग जो है वो ट्रेडिशनल बस का रूट ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा मेट्रो में रश मिलने वाला नहीं है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसी है मेट्रो। यहाँ से अभी मैं जाने वाला हूँ दंतोली और वहाँ से मेरी मेट्रो इंटर एक्सचेंज है। तो लेफ्ट साइड में टिकट विंडो है और राइट साइड में ये प्लेटफॉर्म है। तो मुझे जाना है टेकड़ी, वहाँ के लिए मैंने स्टेशन लिया है, उसके लिए मुझे सीतामढ़ी स्टेशन चेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सबसे पहले सिक्योरिटी चेक, यहाँ सिक्योरिटी चेक हो चुका है, अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ और शायद इसको यहाँ प्लेस करना है। यस यस यस, हमारे गेट खुल चुके हैं। अभी हमें देखना है ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। तो आइए चलिए एक्सप्लोर करते हैं और हम लेते हैं एस्केलेटर। सो फाइनली मेरा पहला स्टॉप आ चुका है जो कि है सीतामढ़ी, और यहाँ से जो मुझे मेट्रो लेनी है वो है ऑटोमोटिव चौकी और वो मुझे मिलेगी बेसमेंट से। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन का ये जिसका नाम है कड़वी चौक। यहाँ के मेट्रो स्टेशन का नाम देखेंगे थोड़े से आपको अजीब लगेंगे, कड़वी चौक के नाम से मेट्रो स्टेशन है जो कि मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो मेट्रो की जर्नी जो है बहुत कंफर्टेबल रही है और मेट्रो में दिल्ली मेट्रो की तरह आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, छोटा मेट्रो है, ड्यूरेशन कम,
कवर करती है। थोड़ी कम ही डिस्टेंस में यहाँ पे 3 फेज की मेट्रो चलती है। ओवरऑल एक अच्छी एक्सपीरियंस रहा नागपुर मेट्रो का। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।